गुड मॉर्निंग क्लास, आज मैं आप लोगों को पाठ 16 उदास मत रहा करो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। यह भोला भालू की कहानी है। एक भालू है जिसका नाम भोला है। वह सर्कस में काम करता था। वह उदास रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था। भोला जो है वो सर्कस में काम करता था और वो हमेशा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उदास रहता था। जब सर्कस का तमाशा ख़त्म हो जाता तो भोला को बड़ी खुशी होती थी। उसे रेल के डिब्बे में ला दिया जाता था। सर्कस का तमाशा ख़त्म करने के बाद भोला जो है बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि उसे रेल के डिब्बे में डालता था। ये उसके मज़े के दिन होते। इंजन सीटी मारता था, छुक 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 वह पिंजरे के चारों ओर देखता रहता। उसे नदी नाले और पहाड़ देखना अच्छा लगता था। फिर उसे घर की याद आने लगती। उसे इन ट्रेन में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि उसकी इंजन छुक छुक करती थी और उस पिंजरे में से वो नदी नाले पहाड़ को देखता हुआ आगे बढ़ता जाता था। फिर भी उसे अपने घर की याद आती थी। सर्कस के दिनों में उसकी उदासी बढ़ जाती थी। वह गुमसुम पड़ा रहता। सारे जानवर उसके बारे में जानते थे। वे उसे समझाते, देखो भोला उदास मत रहा करो, पिछली बातों को भूल जाओ, खाओ पियो और मौज बना। जब उसे घर की याद आती थी तो वो हमेशा जो है उदास हो जाता था, और उसके दोस्त भी उसके बारे में जानते थे और इसीलिए वो उसे समझाते थे कि भोला